खंडवा जिले में पर्यटन केंद्र हनुमंतिया में जहां धरती पर उमंग थी तो आकाश में उल्लास छाया हुआ था। जल में अठखेलिया करते पर्यटकों की ऊर्जा को और दोगुना कर रही थी। अवसर था नए साल में आगमन का। यहां 30,000 से अधिक पर्यटकों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में मिनी गोवा के नाम से विख्यात पर्यटन केंद्र हनुमंतिया और इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर सहित प्रदेश और अन्य जगहों से पर्यटक पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचने से धाकरवाड़ी के जलकुआ तक 3 मीटर की रोड का जाम की स्थिति बनी हुई है। चौकी प्रभारी बीड़ विक्रम धारवे खुद पार्किंग स्थल पर पहुंचे और पूरी कमान अपने हाथ में ली। सुबह से शाम तक टेंट सिटी के बोट क्लब और पर्यटन क्लब की बोट क्लब दोनों जगह पर वाटर गतिविधियों का संचालन हुआ। इसमें पर्यटकों ने क्रूज, जलपरी, बन्ना बोट, स्पीड बोट, जेट स्की, वाटर स्कूटर सहित अन्य गतिविधियों के लिए उत्साह दिखाया। बूंदी से शाहरुख मंसूर की रिपोर्ट। नगर से आए हुए हैं, आज 1 जनवरी का दिन है। पहले तो आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ से सब दूर से लोग जो आ रहे हैं, हम लोगों के लिए ये मनोरंजन का केंद्र बन गया है। और आज छुट्टी का दिन है तो बच्चे भी आए हुए हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ दिखी है, पर्यटकों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था सुचारू रूप से सही की जाए। मुख्यमंत्री आकर बहुत ही अच्छा लगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्य किया है। मैं चाहता हूँ कि सभी मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर्यटन के लिए एक बार ज़रूर आएं। गोवा जैसा बहुत ही अद्भुत नज़ारा हनुमंतिया में है। मैं सराहना करता हूँ कि इतना अच्छा इस जगह को एक सराहनीय तरीके से सराहा गया, इसको निखारा गया। तो यहाँ पर बोट राफ्टिंग है और आपकी काफ़ी सारी यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी हैं। अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया। कहाँ से आए आप लोग? मैं इंदौर से आया हूँ। क्या नाम? अनिल परमार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।